हेलो, कैसे हैं आप सभी? पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जबरदस्त तरीके से लगे हुए भी हैं। तो हम लोगों ने जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, उसका जो है ये चौथा दिन है और चौथे दिन के इस क्रैश कोर्स में आप जो है ना, 5 नंबर जो है आपके हाथ में होगा। आप कहेंगे कि कैसे सर? तो आज आप सीखेंगे कि इंग्लिश में एक्सप्लेन कैसे करना है। और आप कभी नहीं भी इंग्लिश सीखे होंगे तो आज आप एक्सप्लेन करना तो पक्का सीख जाएंगे। और 5 नंबर जो है प्रॉज सेक्शन से आता है, आ क्वेश्चन नंबर ये दूसरा से 5 नंबर, आ क्वेश्चन नंबर तीसरा भी सेम ही होता है, आ वो पोएट्री सेक्शन से होता है। यानी 10 नंबर आज के इस क्लास में जो है आपके हाथ में होंगे। अब कैसे होगा इसी बात पे हम लोग चर्चा करेंगे ना। तो पहले इन क्वेश्चन को देखिए और अनुमान लगाइए कि क्वेश्चन कहां के होगा। आप कहेंगे कि वे क्वेश्चन वहां तो कहां से है, तो मॉडल पेपर के है। मॉडल पेपर के 4 गो क्वेश्चन है। आई चारों क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 जो सब्जेक्टिव इंग्लिश का होगा उसका क्वेश्चन है। आ ई में से जो है आपको मात्र एक गो बनावेला है। एक गो आप बना दिए, 5 नंबर हो गया। आप कहेंगे सर बनाएंगे कैसे, ई हमको बताइए, तो आप खाली बकवास करते रहते हैं। बनावे से पहले हम आपको बता दे रहे हैं, ई जो है ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है हम आपके लिए 15 गो क्वेश्चन गेस किए हैं, आ उहे में से आपके एग्जाम में ही आएगा, एकदम 100% गारंटी है। अब आप कहेंगे कि गारंटी दे रहे हैं या नहीं आया, तो नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। उहे 15 गो में से है 2 गो क्वेश्चन आयल है, देखिएगा जाके आप देख लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन मिलाइएगा, एकदम मॉडल पेपर में आयल है। 5 नंबर क्वेश्चन मिलाया गया, एकदम आइल है। आ 30 गो टोटल हम आपको दिए हैं, 30 गो में से 2 गो तो अइबे करेगा, वह 2 गो आपको बना के आवेला है। समझ गए? तो आप नहीं देखे हैं, बार बार हम आप कहते हैं, आप कहते हैं कि सर बार बार आप क्रैश कोर्स के बारे में बोलते रहते हैं। हम अपना ला नहीं, आपके लिए बोल रहे हैं कि पहला ही से वो क्वेश्चनवा आप देख के तैयारी कर ले रहिएगा, तो एग्जाम में जाके तुरंत गर्दा छोड़ा दीजिएगा। बात समझें? ये हम अपना ला नहीं बोलते हैं, आपके लिए बोलते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हमनी के मेन जो है प्रोग्राम पे आते हैं कि सर ये सब जो है हमनी के बनाएंगे कैसे बउआ के तरह। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 साथ में हम लोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है का लिखल है, तो एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में से किन्हीं एक का जो है व्याख्या करना है, एक हिंदी ई हुआ। आ क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही लिखल रहेगा कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ओकरों में 4 गो रहेगा। अंतर बस क्वेश्चन 2 और 3 में का है कि ई जो है प्रॉज सेक्शन के है। प्रॉज सेक्शन मतलब आप समझते हैं, यानी इंग्लिश के बुक के चैप्टर नंबर 1 से लेके आ चैप्टर नंबर 11 तक, मतलब इंडियन सिविलाइजेशन चैप्टर से लेके आ 11 चैप्टर तक आएगा, ठीक है। आ जो 3 नंबर क्वेश्चन में होता है, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद जो चैप्टर आएगा, जैसे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कविता वाला चैप्टर होगा उसमें से आता है एक्सप्लेन करने के लिए। बात समझ गए? क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 में अंतर आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब आते हैं बनाने पे बारी। देखिए आपको इस लाइन को देखकर, कल हिंदी में हमने के सीखे थे, आज इंग्लिश में सीखेंगे, इस लाइन को देखकर आपको बताना है कि कौन से चैप्टर से जो है लिया गया है। लाइन को एक बार पढ़िए। When the one had gone, they stood alone on the pavement, looking at the ground. आप देख के कहेंगे सर हमारा इंग्लिश आता नहीं है, तो हमें बनाई भी कैसे हो? भाई आपको इंग्लिश जो है ना हिंदी में एक्सप्लेन करके जो है एक एक चैप्टर आपको पढ़ाए हैं। आ उहे में जो है एगो चैप्टर में जो है वान आयल था, वान मतलब कि गाड़ी। आ वो गाड़ी में जो है मुर्गी फार्म के काम हो रहा था। कौन कर रहा था? तो बेंजी कर रहा था। तो ये मुर्गी वाला चैप्टरवा जो है कौन चैप्टर से है, आयकर राइटर कौन है, आप बता सकते हैं? अगर आप चैप्टर और राइटर बता दिए, 5 नंबर आपका हो गया। आप कहेंगे सर ये तो काची से है, तो द अर्थ चैप्टर से है। आ द अर्थ में के राइटर कौन है? तो एची कौन है? तो बेट से है, एची बेट से, ठीक है। अब इतना आ गया, 5 नंबर आपके हाथ में है। अब कहेंगे सर हमारा तो राइटर ने याद है या ने चैप्टर वे याद है, तब कैसे होता है? यूट्यूब पे सर्च कीजिए, क्लास 12th इंग्लिश के चैप्टर एंड राइटर नेम याद करने की ट्रिक, बिल्कुल फ्री है।
वो वीडियो को जो है 5 लाख से अधिक लोग देखे हुए हैं। आप भी जाके देखिए और आप भी याद कीजिए बिना रटे ट्रिक के दादा ओकरा में बताल गेल है, आप उसको देख लीजिए, है कि नहीं, इसमें कौन बड़का बात है। अब देखिए जब चैप्टर राइटर नेम याद पड़ गया, चलिए ये दूसरा क्वेश्चन। मदर वाज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, मदर जो है डोर स्टेप यानी कि चबूतरा पे इंतजार कर रही थी। भाई नानू काका इस चैप्टर से लिया गया है, तो इस चैप्टर के राइटर ए पिंच ऑफ स्नप, इस चैप्टर का नाम है ए पिंच ऑफ स्नप। इसके राइटर कौन है तो आप बताएंगे ए पिंच ऑफ स्नप यानी मनोहर मालवणकर सर। ये हो गया। देखिए तीसरा नंबर सी, यूरोपियन सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन आ गया यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसके राइटर महात्मा गांधी, ओकरा से ही लेवल गई है। चौथा, एट ग्रेजुअली हिज फादर हैड बिगेन टू स्कोल्ड हिम फॉर पेंटिंग पिक्चर, पेंटिंग पिक्चर के लिए जो है ओकर बाबू खिसी आ गया। केकर बाबू? तो ये जो है ना कदुआ वाला लौका वाला जो चैप्टर आप पढ़े हैं ओकरा में से, तो लौकवा वाला चैप्टरवा के का नाम है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट के राइटर कौन हथिन तो सिग्गा नोया। अब बताइए ये चारों के चारों आपको पता चल गया, कोनो एक गो के बना ही ला है, अब 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, अब जो है हमने के पहले बनाते हैं काहेला जो है ये सब बनाएंगे, पहले पे हमने के सॉल्यूशन करते हैं। तब पहला ही क्वेश्चन आ गया, अब सॉल्यूशन हमने के कैसे करते हैं आइए सर। देखिए उतना समझ गए तो अब इसका जो है हमने के आंसर कैसे लिखेंगे उस पर हमने के बात करते हैं। तो आंसर लिखेला कुछ नहीं करेला है आपको का, तो क्वेश्चन नंबर कितना तो दूसरा था, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा, और दूसरा के आप बना कौन रहे हैं तो ए नंबर बना रहे हैं, ए नंबर लिख दीजिएगा। आप फिर लाइन में कुछ नहीं अब लिखना है, अब जो है एक नीचे वाला लाइन में लिखना है आंसर, और आंसर में जो है डैश दे के लिखेला स्टार्ट कर देवेला है। अब लिखेंगे कैसे तो कौनो चीज का आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, लिखेला है दिस लाइन। अगर जो है लाइन और लाइंस कब लिखते हैं, देखिए अगर जो है इसमें एगो फुल स्टॉप तो लाइन लिखेंगे, अगर 2-3 गो फुल स्टॉप रहे तो हमने के का लिखेंगे लाइंस लिखेंगे। तो एकरा में एक गो फुल स्टॉप है, एजा जो है इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक है, ये नहीं के फुल स्टॉप तो हमने के समझ लेना है। तो फुल स्टॉप एक गो है तो का लिखेंगे दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, ठीक है, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम। कौनो चीज के इंग्लिश में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं इतना आपको लिखना ही है, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम। अब जो है ये कौन से चैप्टर से लिया गया है उस चैप्टरवा के नाम लिखेला है, तो कौन से चैप्टर से लिया गया है भाई, तो ये लाइन जो है कौन द अर्थ चैप्टर से लिया गया है। तो आपको जो है यहाँ पे लिखना है दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द अर्थ चैप्टर, ठीक है, द अर्थ चैप्टर, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे और ये जो है चैप्टर के नाम को जो है हमने के डबल इन्वर्टेड कॉमा से जो है ऊपर वाले से का करेंगे घेर देंगे। इतना लिखें दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द अर्थ चैप्टर, ठीक है। अब इसी में लिखेंगे ये अर्थ चैप्टरवा जो है लिखले कौन हथिन, तो लिखेंगे रिटेन बाई, चाहे ऐसे लिखेंगे दिस चैप्टर इज रिटेन बाई, ठीक है, रिटेन बाई, कौन है रिटेन बाई में, तो रिटेन बाई जो है द अर्थ चैप्टर के एच ई कौन था बीट्स से, ठीक है। नाम लिखते हैं ना तो नाम में जो है हम लोग डबल ई थी बड़ा अक्षर का उपयोग करते हैं, ही नहीं कि पहले जो है छोटा, ये जो छोटा लिख दीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, और यहाँ पे जो है आपको फुल स्टॉप दे देना है। अभी आप क्या लिखें, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द अर्थ चैप्टर एंड यहाँ पे जो है और जोर दीजिए एंड दिस चैप्टर इज रिटेन बाई एच ई बेट से, यानी कि यह जो लाइन है वो अर्थ चैप्टर से लिया गया है और जिसके राइटर जो हैं कौन हैं तो एच ई बेट से हैं। अब देखिए आप मान के चलिए इसका एक्सप्लेन कीजिएगा इसका, तो इसमें आप क्या लिखिएगा, इसमें जो है आपका लिखेगा, तो इसमें देखिए क्या आप लिखेंगे, इसमें लिखेंगे दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम
ए पिंच ऑफ स्नॉप चैप्टर एंड दिस चैप्टर इज रिटेन बाय कौन, मनोहर मालवणकर, ठीक है। ऐसे लिखना है, कौन चैप्टर के आप एक्सप्लेन कीजिए। बात समझ में आया, जब इतना लिख दिए तो दो नंबर तो ऐसे ही कंप्लीट हो गया। अब जो है पैराग्राफ यहां से चेंज करना है, ठीक है, पैराग्राफ यहां से चेंज करना है। और अगर अगर आपको जो है ना इसका आंसर मालूम है, मतलब कि इसका मतलब पता है कि ये लाइन जो है आपको क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है, तब जो है पैराग्राफ चेंज करके जो है आप इसका मतलब लिखिए। अब मान के चलिए कोनो के इंग्लिश आ ही नहीं रहा है, कोनो के पते नहीं है, तब क्या करेगा, कुछ मत करना, यहां से लेके आ यहां तक जो है उतार देना, यहां से लेके पैराग्राफ चेंज करके आप पूरा क्वेश्चनवा के जो है उतार देना, हो गया एक्सप्लेन। अब कहेंगे सर ऐसे नंबर मिलेगा, तो ऐसे अगर नंबर मिलेगा लेकिन 5 नंबर के जगह 4 नंबर मिलेगा, अब कहेंगे सर हमको तो 5 नंबर चाहिए, तो 5 नंबर आपको चाहिए ना सर, तो यहाँ पे अर्थ जो है लिखना होगा उस लाइन का। अर्थ आप कहेंगे कि हमको आ नहीं रहा है, तो नहीं आ रहा है, इसलिए तो हम आपको बार बार कहते हैं क्रैश कोर्स वा लीजिए, और चाहे एगो इंग्लिश के बैच है 199 रुपये के, उसमें ले लीजिए भाई, 30 गो एक्सप्लेन करे वाला क्वेश्चन देवल है, आ उहे 30ों में से आएगा एग्जाम में, बस ओकरा में का दिक्कत है, आपको 199 रुपये लगाएंगे या 100 नंबर इंग्लिश में आ जाए, कोनो दिक्कत है नहीं, दिक्कत होना चाहिए, उसमें जाके आप देख लीजिए। अब कहेंगे सर कहाँ से मिलता है कोर्स वा, तो आपको SGS क्लासेस जो है क्या करना है, डाउनलोड करना है, और इसी पे जो है आपको मिल जाएगा। और उस सबको जो है आप जो है एकदम, अभी 1 महीना है, 1.5 महीना है, आप एकदम रट के सट जाइए, बात समझ गए। और ऐसे अगर आप तैयारी कीजिएगा तो इंग्लिश में 100 में 100 जो है कन्फर्म है, एकदम कन्फर्म है। और इस वीडियो के माध्यम से जो है आपका सीखें कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है दूसरा और तीसरा नंबर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। पहला नंबर क्वेश्चन आप पहले ही सीख गए थे कि ऐसे कैसे लिखना है, दूसरा नंबर क्वेश्चन एक्सप्लेन कैसे करना है, तीसरा नंबर क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करे वाला ही होता है, तो ये आप सीख जाएंगे। तो ऐसे में 8 नंबर, एक्सप्लेन करे में 10 नंबर, 18 नंबर के खेला खत्म हो गया। लेकिन आपको अभी मेहनत करना है, ऐसे जो है लिखना है आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम दिए हैं, एक्सप्लेन करे वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको दिए हैं उसको जो है रट के सट जाना है, समझ गए। उसके बाद आपके 18 नंबर तक कंप्लीट ही हो गए। डेली एगो क्लास आता है क्रैश कोर्स का, और आपके जीवन में जो है आपके रिजल्ट में भी बदलाव लाता है, तो आप वैसे ही जुड़ल रहिए। और अगर इस वीडियो को अच्छा लगा है तो अपन दोस्त में शेयर भी किया कीजिए, है कि नहीं, और वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद सर।